नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ला। और बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर हैदराबाद से, जहां सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर देखने को मिली है। तो आपको बता दें, हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सड़क हादसे में दिल दहला देने वाली है, देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तो तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, जहां पर एक कार सामने से आ रही थी और वो जैसे ही मुड़ने की कोशिश करती है, सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। और इस हादसे में बचने का मौका किसी को नहीं मिला है। 5 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। लगातार यही गुजारिश की जाती है कि जब भी आप सड़क पर उतरें, सड़क यातायात के नियमों का पालन करें। लेकिन एक बार फिर से रफ्तार किस तरीके से जानलेवा साबित हुई है, उसकी तस्वीर इस वक्त हैदराबाद में सामने आई, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रक और कार की ये सीधी टक्कर थी, जिसमें 5 लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। उन्हें अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी है। तेजी से आ रही कार जैसे ही मुड़ने की कोशिश करती है, ट्रक जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे भी संभलने का मौका नहीं मिला। और अंजाम ये हुआ कि दोनों की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अक्षय, ये तस्वीरें बता रही कि हादसा कितना भयानक था, क्योंकि ट्रक की स्पीड ज्यादा लग रही है और ऐसा लग रहा है कि उस गाड़ी ने भी कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी दिखाई मुड़ने में। बिल्कुल। और उसने भी शायद सामने से नहीं देखा कि क्या कुछ हो रहा है, और इस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे की जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जब भी आप सड़क पर होते हैं, ये दूसरी तस्वीर है, ये दूसरे एंगल से तस्वीर सामने आई। यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रक उसे रगड़ते हुए, घसीटते हुए कई मीटर दूर तक ले जाता है, और वहां पर मौजूद शायद खंभे से टकराकर दोनों गाड़ियां वहां पर रुकती हैं। मोड़ पर, चौक चौराहों पर आपको अपनी स्पीड में काबू करने की हिदायत दी जाती है, उसे कम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कम ना किया जाए तो कैसे सड़क हादसे जानलेवा साबित होते हैं, ये तस्वीर उसकी वानगी भर है। और खास बात यह भी है, जिसको फोकस करने की जरूरत है, ये देर रात की तस्वीर लग रही है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त सड़कें खाली होती हैं, और शायद इस वक्त और ज्यादा हिदायत लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहां पे जरा सा भी संतुलन खोएंगे तो ऐसे ही कुछ बड़े हादसे की तस्वीरें सामने देखने को मिलती। और यही तो कुछ हुआ है, सड़क खाली थी, ट्रक भी काफी रफ्तार में, और वो गाड़ी भी, हालांकि उस गाड़ी में इंडिकेटर, ऐसा लग रहा है कि उस गाड़ी ने इंडिकेटर भी नहीं दिया है। तो 2 कैमरों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये दर्दनाक हादसा कैद हुआ है, जिस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये 5 लोग कौन थे, क्या एक ही परिवार के 5 लोग हैं, या दोस्त हैं, या कुछ और अलग अलग इलाकों से संबंध रखने वाले तमाम लोग इस कार में सवार थे। लेकिन जो भी हादसा है वो वाकई दर्दनाक है। रोहित बताता है कि रफ्तार जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप घर से ही सलामत पहुंचे। ये इसलिए तो कहा भी जाता है, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। यानी ये देखिए, आपको मजा जरूर आ रहा है तेज रफ्तार में चलने में, लेकिन ये इन 2 तस्वीरें ये बताने को काफी है कि देखिए रफ्तार से किस तरह का हादसा हुआ। और एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रावलपिंडी से यह खबर है, जहां घायलों की संख्या वक्त के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, और ये अभी 17 तक पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पुलिस स्टेशन के सामने एक धमाका हुआ है। धमाका किस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, इसके बारे में अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में दरअसल सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पहलू में, वो ये है कि आज पाकिस्तान के सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 11 विपक्षी दलों की रैली लाहौर में हो रही है और मरियम नवाज की अगुवाई में। और सबसे बड़ी बात है कि ये रैली दरअसल पाकिस्तान में इसलिए हो रही है कि इमरान सरकार को सत्ता से हटाना है। और दूसरी तस्वीर, इमरान खान लगातार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि एक आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए हम रैली की परमिशन नहीं दे सकते, और ये बात कही, और दूसरी तरफ ये धमाका। बिल्कुल, जिसकी वजह से कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि आखिर इमरान को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि कहीं आतंकी हमला होना है। और ये हमला क्या, ये जानकर किया गया है कि आज जो लाहौर में रैली होने वाली है पीडीएम की, उस रैली को रोक दिया जाए। हालांकि मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो या फजलुर रहमान, इन्होंने साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम रैली जरूर करेंगे। लेकिन वाकई ये जो तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं आतंकी हमले की, उम्मीद है कि इससे सबक पाकिस्तान लेगा, जो आतंक को लगातार पालता पोसता रहा है। वहां हैंड ग्रेनेड से इस हमले की आशंका जाहिर की गई है, जिसमें अब तक 17 लोगों के घायल होने की खबर है। रोहित, एक पॉइंट और भी अच्छे जो आपने कहा कि देखिए, इनपुट होने के बावजूद अगर इमरान खान को अगर ये जानकारी थी पहले से, देखिए इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान भी कहता है ना कि हमारे पास इंटेलिजेंस, हमारे पास तंत्र है, जिसके पास जानकारी होती है, अगर वो जानकारी थी
तो आपने सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्या किए गए थे? यानी आपको आवाम की कदर ही नहीं है, आवाम की फिक्र ही नहीं है, और आवाम की ऐसे जुट कैसे गई इतनी बड़ी संख्या में? दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना थ्रेट्स को लेकर आप लॉकडाउन की प्लान कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मास्क भी कहीं नहीं, भीड़ भी, और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के बाद ये सिक्योरिटी लैप्स जो दिख रहा है, तो इसमें ऐसा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया हो ताकि किसी तरह की सियासत तो होती रहती है रोहित, लेकिन इसका खामियाजा हमेशा भोली भाली आवाम को ही उठाना पड़ता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान की भोली भाली जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 17 लोग अभी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, हो सकता है ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ जाए, हो सकता है कि मौत का आंकड़ा भी धीरे से बढ़ता नजर आए, क्योंकि हैंड ग्रेनेड से हमले की आशंका जाहिर की गई है, और जो भी इसके सबसे पहले चपेट में आता है उसका बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अब स्थिति वहां किस तरीके से है, भगदड़ कैसी मची हुई है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर लाहौर में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मरियम की रैली को लेकर वहां पर आवाम इकट्ठा हो रही है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब्बार चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। जब्बार चौधरी साहब, क्या अपडेट है? 17 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है रावलपिंडी धमाके में। जी ऐसा है, ये रावलपिंडी में मंडीगंज का इलाका है, एक मार्केट है, यहाँ पर एक नामालूम शख्स ने एक जो है वो हैंड ग्रेनेड वहाँ पे फेंका है, और जिस वजह से जिसके फटने से वो फटा है वहाँ पे, और जिसकी वजह से कुछ 17 से 18 लोगों के जख्मी होने की इतला है। लेकिन ये कि जख्मियों में इस वक्त जो हमारी जो हॉस्पिटल जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर किसी के भी कोई क्रिटिकल जो है ना वो होने की इतला नहीं है, तमाम जख्मी जो है वो स्टेबल हैं। जख्मियों में तकरीबन 2 बच्चे शामिल थे, उनमें से उनको भी हल्की सी पाँव पे चोट आई थी, और उनमें एक खातून भी शामिल है, और बाकी जो है वो तमाम मेल हैं, एडल्ट हैं, तो वो लोग जो है इस बीच एक अहम खबर आ रही है। जब्बार जी आप हमारे साथ बने रहिए। पंजाब सरकार पाकिस्तान की, उसने आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिस तरीके से रावलपिंडी में हमला हुआ है उसके बाद अब पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आतंकी हमले का अलर्ट पहले ही सामने आ चुका है। जब्बार जी एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हैं, क्या एक के बाद एक कोई आतंकी संगठन सक्रिय है वहां पर? देखिए, पाकिस्तान आपको पता है दहशतगर्दी का शिकार है, बड़ी तवील जंग लड़ी है पाकिस्तान ने, तो अभी ये जो अलर्ट है था ये अपना 3 दिन पहले लाहौर में, चूंकि आज जो है वो पाकिस्तान की जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं उनका एक बहुत बड़ा मिराज पाकिस्तान जो कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, बहुत बड़ी आज उनकी वहां पे रैली है, जिसमें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ना वो आपको पता है पाकिस्तान में अपोजिशन जो है वो सिर्फ मूवमेंट चला रही है, और उसी सिलसिले में लाहौर में एक जलसा हुआ है जिसपे जो है वो इस तरह के अपना जो दहशतगर्दों के हमले का तकरीबकारी का जो कमजोर करने के लिए इस तरीके से हमले हो रहे हैं जब्बार जी, वो खदशा जाहिर किया जा रहा था, इस वजह से वहां पर जो है थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। और ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में ये रावलपिंडी में धमाका और धमाके की ये तस्वीर है, 17 से 18 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो घायल हुए इस धमाके में। तो आतंक को अगर पालेंगे तो उसका क्या हश्र हो सकता है, उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये तस्वीर पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। शालिनी का रुख कर रहे हैं, शालिनी का रुख कर रहे हैं, गुरुग्राम बॉर्डर पर हैं, वहां पर शालिनी के पास होते हैं, किसानों के बीच में है वो। ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल रोहित, और लगातार हिंदुस्तान बता रहा है कि किस तरह से हर बॉर्डर के ऊपर किसान इस वक्त मोर्चा जमाए हुए, और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आप जान लीजिए, पंजाब के कुंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली इस वक्त कुंडली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पंजाब के कुंडली बॉर्डर पर, जहां पर सैकड़ों ट्रैक्टर की इस वक्त कतार दिखाई दे रही है। देखिए, कुंडली बॉर्डर पर किसान इस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पहुंचे हुए हैं, और नेशनल हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, नेशनल हाईवे पर जाम वो भी 8 किलोमीटर लंबा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। देखिए, पंजाब से किसानों के 2 जत्थे पहुंचे हैं, 2 और जत्थे पंजाब से किसानों के पहुंचे हुए हैं, 8 किलोमीटर लंबा जाम और ट्रैक्टर ट्रॉली की कतारें एक के पीछे एक, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली इस वक्त दिखाई दे रही है पंजाब के कुंडली की, ये बड़ी खबर। मतलब अलग अलग बॉर्डर के ऊपर किसान तो डटे हुए हैं, लेकिन पीछे से अलग अलग जत्था किसानों का और आगे बढ़ता चला जा रहा है, और किसान भी लगातार यही कह रहे हैं कि और किसान भाई पीछे से आएंगे हमें मदद के लिए और इस आंदोलन को और ज्यादा हम बड़ा करेंगे। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी प्रिया वहां पर मौजूद है। प्रिया, ओवर टू यू। देखिए,
तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। जहां तक नजरें जा रही है, किसान और भीड़ आपको ये मंच की तरफ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इनके जो लोकप्रिय कलाकार है वो इनके बीच में मौजूद है, इसलिए आपको इस साइड में भीड़ बहुत ज्यादा अभी नजर आ रही होगी। तमाम किसान जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। देखिए, देश भर से जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली के इर्द गिर्द राज्यों की हम बात कर लें, वहां किसान उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है हर बॉर्डर पे। वही तस्वीर गाजीपुर पे देखने को मिल रही है, एक तरफ सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तब किसान ये स्पष्ट करेंगे कि अब आगे वो क्या सोच रहे, क्या रणनीति। लेकिन यहाँ ये चीज स्पष्ट है, यहाँ राकेश टिकैत इन लोगों से बात करके जा चुके हैं और इनका साफ कहना है कि कृषि कानून को रद्द करवाओ, रद्द करने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं, अब यही चीज सरकार के सामने रखा जाएगा। देखिए, यहाँ जितने किसानों से मेरी बात हो रही है वही कह रहे हैं कि MSP आप लिखित में दे दीजिए। अच्छा, एक और चीज शालिनी यहाँ पे निकल करके सामने आई, मैंने जब पूछा सरकार तो आपकी मांगों को लेकर के जो संशोधित प्रस्ताव दे रही है उस पर आप तैयार क्यों नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि MSP कहाँ ला रही है, MSP कानून के तहत लाने की बात हो रही है, वो कर ही नहीं रही है सरकार। तो वहाँ एक पेज फर्स्ट नजर आ रही है जो इस पूरे वार्ता से निकल करके सामने आ रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, कि आपके फसलों पर जो आप समझौता करेंगे, जो आपकी फसलें होंगी जिनका सौदा होगा वो फसलों पर नहीं होगा, आपके खेत पे हो जाएगा। तो आपका खेत गिरवे रख करके आप अपने खेत पे फसल उगाएंगे और वो भी खेत जो है आपके हाथ से चला जाएगा। इस तरीके की कंफ्यूजन जो वो किसानों के बीच में है, वो किसान इस वक्त इस चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए, ओवर टू यू शालिनी, बताइए वहां जहां आप मौजूद हैं, जो दिल्ली गुड़गांव गुरुग्राम बॉर्डर है, वहां इस वक्त कैसी तस्वीर है? प्रिया, सुबह से यहाँ की तस्वीरें दर्शकों तक मैं पहुंचा रही हूँ और यहाँ पर बिल्कुल स्थिति सामान्य है, किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैफिक रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आंदोलन के बीच दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की कोई तस्वीर है। देखिये, आज रविवार का दिन है और आपको ट्रैफिक कुछ इस वजह से कम भले ही दिखाई दे कि आज रविवार का दिन है, लेकिन इसके अलावा और हर रोज की जैसे यहाँ की गतिविधि है। और ये कहा जा रहा था क्योंकि राजस्थान से जो जत्था किसानों का आ रहा था वो ये बोल रहा था हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन आज गतिरोध की वैसी कोई भी स्थिति नहीं दिखाई दी। और ये जो किसानों का जत्था पहुंचा है, राजस्थान और हरियाणा के किसानों का ये जो जत्था पहुंचा है, ये बड़ा सीमित संख्या में है, ये बहुत सीमित संख्या में है। कुल मिलाकर के भी वहां पर शायद ही 200-250 किसान भाई मौजूद है और इसीलिए वो सिंघू बॉर्डर की ओर जब कूच हुआ था और सिंघू बॉर्डर पर जब डेरा जमाया था, किसानों ने दिल्ली बढ़ने की कोशिश की थी, तो वहां पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पुलिस का जो आक्रामक रवैया दिखाई दिया था किसानों के ऊपर, जिस तरह से हमने देखा था वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, वैसी कोई भी स्थिति आज इधर जब राजस्थान की तरफ से दिल्ली को कूच करने की तैयारी किसानों की थी तो वो आज दिखाई नहीं दी। ये आप टोल इस वक्त देख रहे हैं, टोल ये गुरुग्राम से दिल्ली की ओर आते वक्त पड़ता है, कमर्शियल जो व्हीकल है वो इसी के अंदर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते हैं, लेकिन हर रोज की तरह यहाँ पर आज भी ट्रैफिक है और कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं है जिसमें हम कह सके कि स्थिति तनावपूर्ण है। तो यहाँ गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर स्थिति सामान्यजनक, और आप चूंकि देखिए शाम लगभग हो गई है, अब देर शाम तक भी मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर सिंघू बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पर प्रिया इस वक्त आप मौजूद है वैसी भी कोई स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी किसान बड़ी संख्या में है। अच्छा, शाजापुर जहाँ से किसानों का दिल्ली कूच करने की तैयारी थी उन्हें रोक भी दिया गया है, वहाँ पर अभी स्थिति क्या बनी हुई है ये जानने के लिए सीधा शाजापुर बॉर्डर प्रत्युष का हम रुख कर लेते हैं। प्रत्युष, देखिए मैं आपको शाजापुर बॉर्डर की इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा पर्सन सदाशिव मेरे साथ है। सदाशिव, जरा आइए, जरा नजदीक से भी दिखाएं। देखिए ये जो रास्ता है यहाँ से जो कि हरियाणा की तरफ जाता है, इसको बैरिकेड से यहाँ पर रोक दिया गया। उधर से जो आप देख रहे होंगे कि उधर से जो ट्रक्स आ रहे हैं वो राजस्थान से जो वो हरियाणा से राजस्थान की तरफ एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो रास्ता जाता है उसको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया। और यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के तले जो किसान आए हैं वो यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। और यहाँ पर योगेंद्र यादव ने उनसे रायशुमारी भी की कि क्या आप यहीं पर बैठे रहना चाहते हैं, पक्का इरादा है यहीं पर आपके रुकने का? तो इन्होंने कहा कि हाँ, हम यहीं पर रुकना चाहते हैं और यहीं पर इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये कह रहे थे कि सिंघू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर में किसान डटे हुए हैं, हमारा एक मोर्चा जो था ये खाली था, इस मोर्चे को भी इसकी मोर्चाबंदी, पक्की मोर्चाबंदी, बार बार कह रहे थे कि पक्की मोर्चाबंदी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इनसे रायशुमारी की गई जो किसान साथ में आए थे कि क्या यहाँ पर वो रुकना चाहते हैं चाहे कोई भी मौसम हो, वो यहाँ पर
वो यहाँ पर रुक गए हैं, वो यहाँ पर रुक गए हैं, यानी कि इनका इरादा है किसी तरीके से यहाँ पर वो बैरिकेड के इस तरफ यहाँ पर डटे रहेंगे। बैरिकेड की दूसरी तरफ हमारे साथ शशि मोहन भी जुड़े हुए हैं जो सुबह से लगातार अपडेट दे रहे हैं। शशि मोहन, ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं कैमरा पर्सन संजय कुबरे से कहूंगा कि यहाँ नज़ारा दिखाएं किस तरीके से जो आंदोलनकारी आए हुए थे, प्रदर्शनकारी आए हुए थे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, पूरी सब्जी चावल की व्यवस्था की गई है, और जो आंदोलनकारी पहले खाना नहीं खा पाए थे उनको खाना खिलाया जा रहा है। खाने की व्यवस्था पहले भी की गई थी यहाँ पर, और इसके साथ में ही इन प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वो यहाँ पर डटे रहेंगे, और लगातार वो यहाँ पर डटे रहेंगे। इससे पहले पुलिस के अधिकारियों ने भी इनसे बातचीत की है, लेकिन उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन, इन लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। हालांकि हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड जो लगा रखे थे वो एक तरफ का रास्ता अब खोल दिया है, जिधर से गाड़ियां आ रही हैं। लगातार इस बड़े प्रदर्शन पर, पूरे मामले पर हमारी कवरेज जारी रहेगी, लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो शाजापुर बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप तक प्रत्युष पहुंचा रहे थे, शशि मोहन पहुंचा रहे थे। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर, जहां सुबह से कोई भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सुबह से ही स्मूथ ट्रैफिक है, सुबह से ही हर रोज जैसे हालात है, आज रविवार का दिन बेहद ही आम दिन है, वैसा ही जैसा हर रोज यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। न सिर्फ ट्रैफिक की मैं बात करूं, अगर सुरक्षा बल की मैं बात करूं तो उसकी भी कोई अतिरिक्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा फोर्सेस का नहीं किया गया है, पुलिस बल अतिरिक्त तैनात नहीं है, बिल्कुल सामान्य यहाँ पर स्थिति है, और आगे भी ये स्थिति ऐसे ही रहने की उम्मीद है। क्योंकि शाजापुर से जो दल किसानों का यहाँ आने वाला था, जो जत्था यहाँ पर किसानों का आने वाला था, वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करे, वो सारी बाधाएं पार करते हुए दिल्ली में घुस जाए। इतनी बड़ी संख्या में किसान है नहीं फिलहाल वहां पर मौजूद। शाजापुर बॉर्डर की हर तस्वीर प्रत्युष और शशि मोहन ने आप तक पहुंचाई। अब मैं जरा सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेती हूँ। मलिका और रमन सुबह से ही सिंघू बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, और रमन देखिए, कल ये कहा जा रहा है कि सांकेतिक रूप से अनशन जो किसान नेता है, आंशिक रूप से अनशन वो सिंघू बॉर्डर पर बैठ करके सुबह से शाम तक करेंगे। ये आंशिक रूप से उनका अनशन होगा। मैं रुख करूंगी मलिका और रमन का, लेकिन उसके पहले प्रिया मैं आपके पास आ रही हूँ, खाजीपुर बॉर्डर पर मैं आ रही हूँ। अनशन की अभी फिलहाल बात सिंघू बॉर्डर पर की जा रही है, हालांकि ये सांकेतिक अनशन होगा। मकसद यही है कि हर संदेश सरकार तक पहुंचाया जाए कि हम डिगने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं है। प्रिया बंद कर दो। प्रिया तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटूंगी और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें प्रिया आपको दिखाएंगी। लेकिन प्रत्युष का एक बार फिर से मैं रुख करती हूँ। प्रत्युष, आप देखिए, एक तरफ तो जत्था किसानों का वहां मौजूद है जहां इस वक्त आप पहुंचे हुए, अब इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जितने भी किसान नेता है वो कल शायद सिंघू बॉर्डर के ऊपर सांकेतिक अनशन कर सकते हैं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का होगा। इसका मकसद यही है प्रत्युष, कि वो ये जता सके कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है और सरकार से बात भी हम मनवा करके रहेंगे। अभी शाजापुर बॉर्डर की क्या तस्वीर है आप दिखाइए। देखिए, जरा तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो शाजापुर बॉर्डर है, देखिए यहाँ पर ट्रक्स आ चुके हैं, कई गाड़ियां खड़ी हैं, और जिस तरीके से टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा है कि वहाँ पर कंबल, रजाई और टेंट और बाकी खाने पीने के सामान के साथ वहाँ पर किसान डेरा डाले हुए हैं, लगभग वही तैयारी इस बॉर्डर पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ देखिए, सड़क की दूसरी तरफ ये रास्ता जो है ये राजस्थान की तरफ जा रहा है, ये रास्ता खुला हुआ है, यानी कि कोई अगर हरियाणा से राजस्थान जाना चाहे उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ से हरियाणा जाने वाले रास्ते को बैरिकेड के जरिए रोक दिया गया है। और ये देखिए, आपको कैमरे के जरिए तस्वीरों में भी साफ साफ नजर आ रहा होगा कि बैरिकेड्स वहाँ पर 3 लेयर की है, उस तरफ हरियाणा पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात हैं,
और ये बैरिकेड के इस तरफ ही किसान यहाँ पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि यहीं पर वो शांतिपूर्ण तरीके से। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।